नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन श्री सर्कल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ट्रिपल सी का क्लास एकदम बेसिक लेवल से। और देखेंगे तो हर एग्जाम में ट्रिपल सी तो एक क्वेश्चन आता है कंप्यूटर की पीढ़ी से। आप देखते हैं कंप्यूटर की पीढ़ी से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर से जरूर ट्रिपल सी के पेपर में आ जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो चलिए देखिए क्या है। लेकिन इससे पहले अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कंप्यूटर का जो विकास हुआ था वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत तेजी से, जो कंप्यूटर का हमारा बहुत विकास था वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत तेजी से हुआ। तो कंप्यूटर की पीढ़ी देखिए, आप देखेंगे बहुत सारे बुकों में अलग अलग पीढ़ी है। तो जो नॉर्मली पीढ़ी सारे बुक में लगभग मिल जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं, प्रथम पीढ़ी जो हमारा है 1945 से 1956 तक था। इस पीढ़ी में क्या था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ। जो इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर में आप देखेंगे तो वैक्यूम ट्यूब जो बहुत ही बड़े आकार का रहता था, तो इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ। और तथा इस पीढ़ी के सिस्टम थे एनईएक्स, यूनीएक्स, मार्क वन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मार्क वन किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है और ट्रिपल सी के एग्जाम में। और ज्यादा करके पूछते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन कौन सी सर्किट का प्रयोग हुआ, मतलब क्या प्रयोग होता है वैक्यूम ट्यूब। तो मतलब इसमें से किस चीज का प्रयोग प्रथम पीढ़ी में हुआ, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ। और कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो एनीएक और यूनीएक मार्क वन जो ये है ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। तो द्वितीय पीढ़ी की स्टार्ट करते हैं, इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया था मशीनी भाषा का प्रयोग किया था। इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया था मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। द्वितीय कंप्यूटर मतलब द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर जो है 1956 से 1963 तक माना जाता है। जो इस द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो 1956 से 1963 में माना जाता है। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें किस चीज का प्रयोग हुआ था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। और इस पीढ़ी में कंप्यूटर का नहीं, मतलब कोई भी कंप्यूटर का ज्यादा करके यही प्रथम पीढ़ी का ही मेन माना जाता है। इस यही क्वेश्चन बार बार उठा के पूछता कि मार्क वन किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो मार्क वन प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। तो जो ट्रांजिस्टर है आपका वो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। और इसका कब से कब है, 1956 से 1963 के बीच में माना जाता है द्वितीय। इसमें भाषा कौन कौन सी हुआ, असेंबली भाषा का प्रयोग हुआ, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग हुआ। जो इसमें भाषाएं हैं इसमें असेंबली और उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग हुआ। अब आते हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। देखिए तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या है, जैसा कि हम बता दें ये हर एग्जाम में देखेंगे लगभग लगभग ट्रिपल सी के बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए। तृतीय पीढ़ी जो आपका है 64 से 71 ईस्वी के बीच माना जाता है आपका तृतीय पीढ़ी। इसमें आईसी का प्रयोग हुआ है, तृतीय पीढ़ी में ही आईसी, जिसका फुल फॉर्म इंटीग्रेट सर्किट। इसमें क्या हुआ, इंटीग्रेट सर्किट। और इसमें जो भाषाएं थे प्रोटॉन, कोबोल तथा फोटोन, फोस्ट्रॉन और कोबोल थे। और इस पीढ़ी में सिस्टम कौन कौन से थे, आईबीएम सिस्टम 360, आईबीएम सिस्टम 360, एनसीआर 395, 6500 थे। मतलब कि इनमें जो सिस्टम थे, मतलब जो कंप्यूटरों का प्रयोग हुआ, आईबीएम का प्रयोग है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन सिस्टम 360, एनसीआर 395 और बीसी 1500 का प्रयोग हुआ था। दूसरा आते हैं चतुर्थ पीढ़ी। जो चतुर्थ पीढ़ी था 1971 से 1980 के बीच में माना जाता है। 1971 से 1980 के बीच में माना जाता है। इसमें आईसी के अलावा माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ है। देखिए कभी कभी लोग क्वेश्चन में पूछते हैं कि आईसी का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ, तो तृतीय पीढ़ी में आईसी का प्रयोग हुआ है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर एक क्वेश्चन आता कि माइक्रो प्रोसेसर का किस पीढ़ी में हुआ था, तो चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था। आईसी का भी प्रयोग हुआ था, लेकिन इसमें जो भाषाएं थी फोर्ट्रान 77, पास्कल, और सिस्टम कौन कौन से थे, आईबीएम थे, पीसी, एक्सटी, एप्पल द्वितीय, इंटर 404, इंटर 404। और इसमें चिप लेवल का कार्य चालू हो गया था। जो चिप लेवल का कार्य है इसमें प्रारंभ हो गया था।
देखिए फिर उसके बाद आता पंचम पीढ़ी। तो पंचम पीढ़ी तो आपका जो माना जाता है 1980 से अभी तक जो रोबोट का आविष्कार माना जाता है वो अभी तक माना जाता है। और इस पीढ़ी में आईसी का बहुत ही अधिक प्रयोग हुआ, बहुत ही अधिक प्रयोग, मतलब कि जो भी कार होने लगे सब आईसी पे होने लगे। तो आपने देखा कि जब ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसी के बाद कंप्यूटर की क्रांति आ गई, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कंप्यूटर में क्रांति आ गई, जो कि प्रथम हमारा जनरेशन है, जो फर्स्ट जनरेशन है हमारा 1945 से 1956 है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। इसमें जो कंप्यूटर थे मार्क वन, एनियक और यूनियक थे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और इसमें जो भाषाएं थी तो मशीनी भाषा, लोग पूछते मशीनी भाषा का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में, देखिए केवल मशीनी भाषा का प्रयोग प्रथम पीढ़ी में हुआ है और द्वितीय पीढ़ी में असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग हुआ। इसमें किस चीज का प्रयोग हुआ, ट्रांजिस्टर। लोग और अधिक क्वेश्चन पूछता है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ, तो द्वितीय पीढ़ी। ट्रांजिस्टर का प्रयोग देखिए प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, और तृतीय पीढ़ी में आईसी, और चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, और पंच पीढ़ी में मतलब कि जो आईसी था उसी को लार्ज स्केल में प्रयोग होने लगा दोस्तों। तो ये थी पूरी पीढ़ी कंप्यूटर की पीढ़ी। इस वीडियो से पीढ़ी की कोई भी क्वेश्चन हो तो यहाँ के अलावा और कहीं से भी नहीं आ सकते, तो इसको एक दो बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको यहां से हर बार ट्रिपल सी से एक से दो क्वेश्चन निश्चित पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जीके में भी कहीं भी अगर आप किसी पेपर की तैयारी भी करें तो इसमें से ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन निश्चित पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो थी पीढ़ी की दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो हम हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि कौन से कंप्यूटर कब हुआ था। तो अभी तक चलते हैं दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।